यस अगर हमें 285 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम कैसे बेटा, बनाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री, क्योंकि प्रोटेक्टर में तो 180 डिग्री तक ही होता है। अच्छा बताती हूँ बताती हूँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है अभी बता रही, डोंट वरी डोंट वरी, अभी बता रही हूँ। सेकंड्स रुकना बेटा, बस अभी बता रही हूँ। सिक्स ए, हाँ सिक्स से लिख दे, फिर अब क्या करूँ? सिक्स स्टार्ट हाँ कर दे, क्या स्टार्ट कर दूँ? मैम योर माइक इज म्यूट। माइक इज म्यूट। यस बेटा एक्चुअली मैं, आपके अटेंडेंस कुछ चेंज हुआ है उसका, तो वही मैं थोड़ा अपने बेटे से पूछ रही थी कि क्या सिस्टम है इसका। ओके सो टेकन अटेंडेंस बेटा, हाउ मेनी हैव जॉइंड? 16। ओके यस मैम। 16, चलो ठीक है बेटा, 16 आर देयर। चलो सो अब मैं स्क्रीन आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। सो हैव यू डन होमवर्क? यस मैम। यस मैम। यस ऑल हैव डन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर हमें 260 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हाँ बता दो बता, बस असेस पहले वही बता दो। ओके बेटा ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, डोंट वरी डोंट वरी, अभी एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कैसे बनाओगे। ओके इज स्क्रीन विजिबल बेटा? यस मैम। योर स्क्रीन इज वेरी यस मैम। स्क्रीन वेरी इज विजिबल क्लियरली। हाँ, अब ध्यान से देखना, बता रही पहले आरुष का डाउट क्लियर कर दो, देन वी विल कंप्लीट लास्ट एक्सरसाइज। हाँ आरुष, हाँ रिपीट योर क्वेश्चन, बोलो आप आरुष। मैम हमें 260 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे ओके ठीक है ठीक है, अगर ओके ओके ठीक है ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। अब आपको सपोज करो 260 का बनाना, तो अब आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिकली सोचना, पूरा फुल कंप्लीट एंगल कितने का होता है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट थ्री सिक्सटी डिग्री 360 का कंप्लीट होता है 360 डिग्री। प्रोटेक्टर से। हाँ बिल्कुल सही है कि आप 180 का बना सकते हो। अब आपको बनाना है 260 डिग्री, यदि 260 डिग्री है इसका मतलब ये हुआ कि 260 डिग्री में हम कितना प्लस कर दें कि 360 हो जाए, जल्दी बोलो, 100, हंड्रेड या फिर उल्टा समझो, ऐसे समझना आपको 260 बनाना यानी 180 से ग्रेटर बनाना, आप 360 डिग्री में से 260 को माइनस करो, यू विल गेट 100 डिग्री। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर से 100 डिग्री का एंगल बना दो। आप सपोज मैंने प्रोटेक्टर से स्ट्रेट, तो ऐसे तो 90 होगा, तो 100 अप्रोक्सीमेटली देख लेना आप लोग, 100 आपका ये 100 डिग्री का एंगल है आरुष, क्लियर? ये 100 हो गया, समझ आ रहे तुम्हें? यस ओ मैम। मैंने इसको नेम दे दिया ओ, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, तो एंगल ए ओ बी है आपका 100 डिग्री। अब आपको 260 बनाना है, 260 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को बनाने के लिए बना नहीं सकते हम बनाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल ही, और इसको 100 लिखेंगे, और ये जो लास्ट वाली, अच्छा रुको मैं कलर येलो ले लेती हूँ, इसको क्या करेंगे हम ऐसे, ये जो मैं अभी येलो कलर से मार्क कर दिया देखना, यहाँ एरो लगाएंगे ऐसे यहाँ पे,
और यहाँ बैक साइड लिख देंगे 260 डिग्री। और जो एंगल 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल की नेमिंग हमेशा रिफ्लेक्स वर्ड लगा के करते हैं, 100% यू हैव टू यूज दिस वर्ड रिफ्लेक्स। तो यहाँ ले लेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रीड ए ओ बी ही करेंगे लेकिन लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल्स टू 260 डिग्री। और 100 को लिखना होगा तो सिंपल सा लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो जब हम 180 से लेस एंगल लिखते हैं तो सिंपल एंगल समथिंग लिखते हैं, और जब 180 से ग्रेटर और 360 से लेस एंगल की नेमिंग करना होगा इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस वर्ड रिफ्लेक्स, आर ई एफ एल ई एक्स, रिफ्लेक्स। आर उस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब सपोज करो yes, आपको किसी को 300 डिग्री का एंगल बनाना, तो 300 बनाने के लिए सबसे पहले 60 डिग्री बना देना। ये बन गया हमारा 60 डिग्री, क्योंकि 360 में से 300 को माइनस से रफ माइनस करके देख लेना, यू विल गेट 60 डिग्री। आप 60 डिग्री बना दो प्रोट्रैक्टर से। और जो बैक साइड होगा ये यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे एरो लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे 300 डिग्री। नेमिंग कैसे करेंगे, ए दिस वन इज ओ, दिस वन इज बी, क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 300 डिग्री। क्लियर? आगे ओके मैम। ठीक है चलो ओके। नाउ आप लोग आ जाओ अपने एक्सरसाइज में, सो वी विल डिस्कस दिस। अच्छा ओके, मैंने आपको उस दिन व्हाट्सएप कर दिया था इसका सॉल्यूशन, देखा सबने एक बार, हिंट देख लिया सबने? यस मैम, आपने 5.7 और 5.8 कर दी थी। हाँ तो आपने देख लिया, सबने देख लिया सबने अच्छे से? यस मैम देख ली थी। लास्ट वाला मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, बस लास्ट वन। अच्छा ये सारे क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ, हैव यू डन ऑल दीज क्वेश्चंस? ये फिफ्थ वाला? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए मैंने आपको सोल्यूशन थोड़ा सा हिंट के लिए भेज दिया था। ओके नाउ कम टू दिस एक्सरसाइज 5.9। यू हैव ऑलरेडी डन दिस कॉन्सेप्ट्स इन फिफ्थ क्लास, सबने किया है नहीं, सिलेंडर क्यूबॉइड क्यूब। Yes, ma'am. ठीक है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आप आराम से मैच कर लोगे सबको। अच्छा प्रिज्म देखा है किसी ने? प्रिज्म? नो मैम। किसी ने नहीं देखा प्रिज्म? मैम मैंने देखा है। प्रिज्म एंड पिरामिड? अच्छा रुको मैं बताती हूँ। अच्छा मैंने देखा है। जिसने नहीं देखा उसको मैं बताती हूँ कि इसको क्या करना है। वेट करो वेट करो, आप क्या करोगे प्रिज्म और पिरामिड को भी मैं आपको दे देती हूँ दीक्षा। रुको आपकी एनसीईआरटी की बुक निकाल के दिखा देती हूँ, या फिर वेट 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 दीक्षा ये ऑनलाइन कंट्री वर्ल्ड एक्सप्लोर इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen visible. Yes, ma'am. Screen is clear. Okay. Yes, ma'am. Screen is visible. Yes, ma'am. Screen is visible clearly. Okay, beta. Bas, bas, bas. Check in. Good. Which topic? This is fifth chapter, na? Okay. Understanding. एलिमेंट्री शेप्स। यस मैम। ठीक है रुक जाओ, अभी मैं आपको इसका कुछ कंटेंट दिखाती हूँ। इसमें शायद आपको जिसको नहीं आता उसको सन क्लासिफिकेशन, थ्री डायमेंशनल, क्यूब क्यूबॉइड, पिरामिड एंड प्रिज्म। अब रुक जाओ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दूं। ओके नाउ एनीवन ऑफ यू टेल, वॉल्यूम क्लियर है इसका?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Voice is very, ma'am, voice is very clear. Okay. Yes, ma'am. सब लोग म्यूट कर लो बेटा. ओके मैम. इन आवर डेली लाइव्स वी सी डिफरेंट थिंग्स सच एज बुक्स फुटबॉल टेबल्स डाइस आइसक्रीम कोन्स एटसेट्रा. ऑल दीज शेप्स आर सॉलिड. दीज शेप्स आर नॉट फ्लैट लाइक रेक्टेंगल्स सर्कल्स एटसेट्रा. समझो एयर में हो, मतलब जैसे बुक में देखो, बुक बिल्कुल फ्लैट नहीं है, थोड़ी हाइट होती है, देखो ये हाइट होती है. फुटबॉल में भी पूरा ग्राउंड में नहीं होता, इसका कुछ पार्ट ऊपर भी होता है. टेबल में देखो लेंथ ब्रेथ हाइट, जिसमें लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो हाइट भी हो, उसको बोलते हैं 3D शेप्स. जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ होती है उसको बोलते हैं 2D शेप्स. जैसे स्क्वायर, स्क्वायर बिल्कुल फ्लैट है. अब जैसे जो बुक है, बुक इज अ क्यूबॉइड, लेकिन बुक का कोई एक फेस देखो, सिंगल फेस, ये जो फेस होगा ये किस शेप में होता है, रेक्टेंगल के शेप में. तो मतलब 2D शेप का मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, सिर्फ फ्लैट हो, सिर्फ ग्राउंड नीचे रहता है, और जिसमें कुछ पार्ट हवा में भी रहेगा, एयर में रहेगा, हाइट होती है, उसको बोलते हैं 3D शेप्स. आपके लेवल के लिए इतना काफी. समझ में आ गया सबको? यस मैम. ओके मैम. ओके मैम. मैम इसमें क्वांटा क्या नहीं दिया? अभी बता दूं, रुको. देयर आर 3 फिगर्स हियर. द फर्स्ट फिगर इज अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. Here we have described this line segment only on the basis of length, that is, only on one measurement. In this way, if we can describe a figure on the basis of just one measurement, then we call it as one-dimensional figure. The ray, the line, is also a one-dimensional figure. Talking about the second shape, it is a rectangle whose length is 5 centimeters and width is 3 centimeters. Can this rectangle be described here based on just length or just width? Think. No. Here it is necessary to tell us both measurements. To describe a figure where we have to tell two measurements, then it is called a two-dimensional figure. In short, we write 2D for two-dimensional. 2D shapes बोलते हैं. All flat shapes like squares, pentagon, circles, etc. are two-dimensional, that is 2D shapes. So can you now tell how many measurements are necessary to describe the third shape? एक सेकंड बेटा, बैटरी लो. Wait. Absolutely right. This shape is a cuboid. To describe it, we need to tell the measure of its length, height, as well as width. A figure in which we need three measurements to describe is called a three-dimensional figure. In short, we write 3D for three-dimensional. Generally, all solid shapes such as cube, cuboid, prism, etc. are three-dimensional or 3D shapes. Let us know about three-dimensional or 3D shapes. Cuboid. Ma'am? You tell how many flat areas it is made of? Try it. Let us tell you. You can see ma'am, that... Ma'am, aapka video nahi dikh raha. Question answers. Four, yes, ma'am. Five, six. Okay, now... Flat area. Now... Yes, ma'am, aap dikh raha hai. Ma'am, aap dikh raha hai. Yes, ma'am. It's faces. Hence, there are a total of 6 faces in the cuboid. Now look at the intersection of any two faces. Here you will see a line segment form. अच्छा देखो ध्यान से, यदि आपको faces देखना हो cuboid में, आप simply अपनी book देखना. Book किस shape में होती है? Cuboid. So how many faces are in a book? 6 faces are there. अब अपना room देख लो, जिस room में आप बैठे हो. Room जो है कौन सा shape में होता है? Cuboidal shape. How many faces are in a room? 6 faces.
कैसे सिक्स फेसेस अकाउंट करके देखो, अपने रूम को देखो, सब लोग देखो, फोर वॉल्स, एक हो गया आपका फ्लोर और एक हो गया आपका सीलिंग, तो फ्लोर सीलिंग एंड फोर वॉल्स, तो टोटल कितने फेसेस हो गए क्यूबॉइड में? सिक्स। चलो ठीक है, आगे ओके ओके। One segment at which faces of solid shapes meet is called an edge. If you look here, there are total 12 edges of the cuboid. Edges का मतलब होता है sides. अब आप अपनी book में sides count करो, कितनी sides है, देखो ध्यान से देखना, ऊपर top में हो गई 4, 1, 2, 3, 4, bottom में हो गई 4, 4, 4 कितने हो गए 8, और sides में हो गई 12 edges. तो total हो गए 12. 12 edges. एजेस का मतलब होता है साइड्स, तो फोर टॉप में, फोर बॉटम में और फोर साइड्स में, तो टोटल हो गए 12 एजेस. फेसेस हो गए 6. कॉर्नर्स कितने होंगे काउंट करके देखो, कॉर्नर्स 1, 2, 3, 4, और नीचे भी 4, टोटल 8 कॉर्नर्स. यस, शेप मीट एट अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स. सो नाउ कैन यू टेल हाउ मेनी वर्टिसेस A cuboid has. Okay, vertex का plural होता है vertices. Vertex is a singular and vertices होता है plural. तो how many vertices are in a cuboid? Count करके देख लो. 1, 2, 3, 4. 4 top में, 4 bottom में. Total 8. Try. 8 vertices. Yes. Let us tell you. 1, 2, 3, 4, 8 vertices. 7 and 8. अब आप देख लो क्यूबॉइडल शेप्स की एग्जांपल, ब्रिक, कबर्ड, ये क्या, कौन सा शेप है ये, जल्दी बोलो. हम क्यूबॉइड, बॉक्स, बॉक्स समझ लो, बॉक्स हो गया, टेबल हो गई, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड. ट्राई योरसेल्फ टू फाइंड सम मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस शेप. नाउ लेट्स सी व्हाट अ क्यूब इज. If the length, width, and height of a cuboid are equal, we get a cube. That is, a cuboid with all its sides equal is called a cube. For example, you must have used a dice to play. This is a cube. Similarly, we can see that Rubik cube, ice cube, etc. are of cube shape. Like the cuboid, the cube has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. Have you seen an object of this shape in your science lab? ध्यान देखना बेटा, it's a prism. This is a prism. A prism is a solid shape whose two faces are identically parallel. One of these two faces is called the base and the other one is called the upper end. Apart from these two faces, the other faces of the prism are parallelogram. The prism is named after the base shape. As the base of this prism is triangular, so it is a triangular prism. ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है. अच्छा अभी तो लैब साइंस लैब में है बेटा, मैथ्स लैब में भी है, लेकिन अभी आपको कैसे ऐसे समझना. देखो इसमें क्या होता है, प्रिज्म में एक होता है ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ट्रायंगल ये साइड में ट्रायंगल, ठीक है, एक और एक ट्रायंगल इसके जस्ट पीछे होगा. तो दो जो बेस होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक ट्रायंगल. अच्छा एक सिंपल सा समझो, डाइस सबके पास है ना, डाइस. यस मैम. डाइस को बोलते हैं, डाइस का दूसरा नेम है या क्यूब, अनदर नेम. यस बेटा बोलो. अनदर नेम ऑफ क्यूब इज स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं. हाँ तो आप ऐसे ठीक है अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, नो प्रॉब्लम. तो प्रिज्म क्या होगा, ये जो प्रिज्म है इसका नेम से ध्यान देगा, इसका बेस है ट्रायंगल, तो जैसा बेस होता है उसी के हिसाब से उसका प्रिज्म की नेमिंग होती है, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म. प्रिज्म ना कहे कि इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म बिकॉज इट्स बेस इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल. अब सपोज करो आपके पास क्यूब है. बेस तो स्क्वायर है. हाँ सुनो भाई बताया, जैसे आपका क्यूब है, क्यूब का बेस कैसा होता है, क्यूब का बेस क्यूब स्क्वायर शेप, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म. यस
उसको बोलेंगे बेटा स्क्वायर प्रिज्म। तो जो क्यूब का अनदर नेम है वो है स्क्वायर प्रिज्म। अब स्क्वायर प्रिज्म क्यों बोलते हैं उसको ध्यान से देखना। क्यूब को मैम आपकी स्क्रीन नहीं, मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अगर मैम अपना से कोई एक बोलेंगे तो गलत होगा क्या? दोनों बोल सकते हैं ना? मैं नहीं मैम लेफ्ट हो गई, नहीं लेफ्ट स्विच ऑफ हो गया लगता है। लीव हो जाए क्या? अभी मैम आएंगी। अरे मैम है मीटिंग में, लगता है मैम का स्विच ऑफ हो गया लैपटॉप बार बार। अरे है मैम मीटिंग में, एक डिवाइस है, एक डिवाइस नहीं है, स्क्रीन है, एक है मैम मीटिंग में, अपन नहीं है। अब लैप हुई है मैम उससे पहले भी वेरी लो आया था ना, और दूसरी बार जब वेरी लो आता है तो अपने आप पीसी स्विच ऑफ हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, 2-3% होगी इसलिए। हाँ ये भी हो सकता है, जब 15 होता है तब लोग बताते हैं, जब 15 हो जाता है और जब 3 या 4 हो जाता है तब वो बोलते हैं कि वेरी लो। हाँ हर बार मैम के लैपटॉप में ऐसी वार्निंग आती है, मैम का लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं रहता? लैपटॉप की जल्दी जल्दी बैटरी खराब हो जाती है। अरे मैम मीटिंग करती होंगी ना बहुत सारी, मैं कंप्यूटर की तो नहीं जाती कोई। साईराम बेटा एम आई ऑडिबल? साईराम मैम यू आर ऑडिबल क्लियर? साईराम मैम यू आर ऑडिबल क्लियर? बस 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 ठीक है ठीक है मैम, आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा ये स्विच ऑफ हो गया। साईराम मैम ओके ओके अब रुको रुको मैं थोड़ा सा बैक करके दिखाती हूँ। वेट 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 अब शॉर्ट मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं है, मैम आपका स्क्रीन नहीं है। ओके यू हैव नॉट शेयर द स्क्रीन, पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। पीसेस ऑफ दिस प्रिज्म इज वेट 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 रुक जाओ एक सेकंड रुको। अरे बेटा इसका लैपटॉप जो है स्विच ऑफ हो गया था गलती से। ओके एम आई ऑडिबल बेटा? यस यस मैम। ओके वेट वेट शेयरिंग शेयरिंग स्क्रीन वेट। देन सच प्रिज्म इज कॉल्ड स्क्वायर प्रिज्म। ऑडिबल बेटा वॉइस क्लियर है? यस मैम क्लियर। यस मैम मैम वॉइस इज वेरी वेरी क्लियर। मैम वॉइस इज वेरी वेरी क्लियर। बस ठीक है म्यूट करो सब लोग। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके मैम हां आप देखो ध्यान से। सिमिलरली एज द बेस ऑफ दिस प्रिज्म इज ट्रायंगुलर सो इट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। यू कैन सी दैट दिस प्रिज्म हैज 5 faces, 9 edges and 6 vertices. हाँ ध्यान से देखना बेटा खूब अच्छे समझना। एक फेस ये देखो ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सामने दिख रहा है, इसके जस्ट बैक साइड में एक ट्रायंगल यहाँ पे हो गया, तो दो तो ट्रायंगुलर फेस होते हैं इसके, और साइड वाले जो होते हैं ये साइड में, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम 1, एक ये पैरेललोग्राम होगा, एक इस साइड होगा 2। अब इसको रुको काउंट करके बता रहा है वो, देखो ध्यान से सुनो। सिमिलरली इफ द बेसिस ऑफ दिस प्रिज्म इज स्क्वायर देन सच प्रिज्म इज कॉल्ड स्क्वायर प्रिज्म। सो नाउ टेल इफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज रेक्टेंगुलर देन व्हाट शैल वी कॉल सच अ प्रिज्म? थिंक थिंक क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बोलो। मैम रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब ध्यान से सुनो बेटा ये जो स्क्वायर प्रिज्म है, आप स्क्वायर प्रिज्म को आप क्यूब क्यूब से समझो। जो क्यूब आपने सबने देखा, तो क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म बोथ आर सेम। रेक्टेंगुलर प्रिज्म एंड क्यूबॉइड बोथ आर सेम।
और ट्रायंगुलर प्रिज्म को आप स्क्वायर प्रिज्म या रेक्टेंगुलर प्रिज्म से कंपेयर करो। स्क्वायर प्रिज्म का बेस देखो, बेस कैसा है इसका, स्क्वायर, टॉप भी कैसा है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बेस रेक्टेंगल, टॉप रेक्टेंगल, और जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा उसका एक साइड कैसा होगा ट्रायंगल, दूसरी साइड भी कैसा होगा ट्रायंगल, और जो बाकी थ्री साइड्स होंगी वो थ्री साइड्स होंगी पैरेललोग्राम, एक ये दिख रहा है, तो टोटल कितने फेसेस होगा इसमें, फाइव, आप ध्यान से देखना बताएगा। मैम एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो। मैम उसे ट्रायंगुलर प्रिज्म क्यों कहा गया है, क्योंकि नो बेटा, उन्होंने क्या किया, रुक जा बताती हूँ, ठीक क्वेश्चन पूछा था, अभी बता रही हूँ, ध्यान से देखो, उन्होंने क्या किया, एक्चुअली में ट्रायंगल को सामने दिखाने के लिए ट्रायंगल ऐसा रखा, इसको आप ऐसा समझो, रुको मैं अभी आपको, ये जो ट्रायंगल सामने दिख रहा है इसको डाउनवर्ड कर दो, नीचे कर दो ट्रायंगल को, अभी मैं आपको अलग से शो करके दिखाऊंगी। बेस एक्चुअली में ये वाला बेस है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है सामने ये बेस है एक ट्रायंगल, तो जैसे नीचे स्क्वायर दिखाया इन्होंने ऐसे इसको डाउनवर्ड मान लो, इसको बेस समझ लो, बेस ये हो गया, इसीलिए ये हो जाता है ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड जो है ट्रायंगल होती है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। सामने दिखाने के लिए उन्होंने ट्रायंगल बनाया, जो बेस में बना हुआ है ये एक्चुअली में बेस नहीं है, बेस होना चाहिए ये ट्रायंगल वाला, तो उसको कैसे भी टर्न कर सकती है, उन्होंने फ्रंट में दिखा दिया है। आपको मैं अलग से भी शो करके दिखाती हूँ, आप खुद से बना के दिखाऊंगी, डोंट वरी, अब एक सेकंड रुक जाओ। सो नाउ टेल इफ द, आप पिरामिड और देख लो, इफ यू लुक केयरफुली, पिरामिड सबको मालूम है, आपने उसमें ही पढ़ा होगा सोशल साइंस में, ठीक है? यस मैम हमने पढ़ा है। हां पिरामिड ध्यान से देखो, सी द शेप इन दिस वे, एज यू कैन सी इन द शेप द बेस कैन बी द शेप ऑफ एनी पॉलीगन बट द रेस्ट ऑफ द फेसेस आर ट्रायंगुलर, वी कॉल सच अ शेप a pyramid. Like prism, we name the pyramid by the shape of the base. As the base of this pyramid is triangular, so it is a triangular pyramid. Here you can see that this pyramid has four faces, six edges, and four vertices. इसको ध्यान से देख लेना, अभी आपके कोर्स में है। How many faces? Four. कौन से four faces है? Count करके देख लेना। इसका एक जो base है, वो triangle है। एक फेस तो बेस हो गया और थ्री फेसेस साइड में होंगे, एक यो आपको सामने दिख रहा है, एक तो ये हो गया वन, एक इस साइड है ये वाला टू, एक ये हो गया थ्री, एक पीछे होगा दिख नहीं रहा, तो हो गया थ्री, तो टोटल हो जाएंगे फोर फेसेस। एजेस कितने हो गए, सिक्स, कैसे सिक्स एजेस हो गए, काउंट करके आप देख लेना बना के, मैं अभी अलग से काउंट करके दिखाऊंगी। और वर्टाइसिस फोर, फोर वर्टाइसिस कैसे हुआ, वन टू थ्री फोर, फोर वर्टाइसेस, सिक्स एजेस और फेसेस हो गए फोर, ट्रायंगुलर पिरामिड का। अब पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है, पिरामिड में एक टॉप एक वर्टेक्स होता है, जबकि प्रिज्म में क्या होता है, जो बेस नीचे होगा वही बेस टॉप में होगा। बेटा म्यूट कर लो, कोई अनम्यूट हो रखा है। नाउ लुक एट दिस पिरामिड, द बेस ऑफ दिस पिरामिड इज स्क्वायर, सो दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड, कैन यू फाइंड इट्स बेस एजेस एंड वर्टेक्स, pause the video and try it yourself. Faces कितने हैं, फाइव, कैसे फाइव, देखो एक तो स्क्वायर नीचे वन, और स्क्वायर के बेस में कितनी साइड्स होंगी, फोर साइड्स हैं, हर साइड से एक एक ट्रायंगल बनेगा, तो एक ट्रायंगल ये बना वन, एक ट्रायंगल इस वाले से बनेगा टू, एक ट्रायंगल इससे बनेगा थ्री, एक ट्रायंगल पीछे से बनेगा चार, तो चार ट्रायंगल बन जाएंगे और एक बेस है, टोटल हो गया फाइव फेसेस। एजेस और वर्टाइसेस आप काउंट कर लेना। Now look here. This is a cylinder. This is cone and this is a sphere. As you can see, there are three faces in the cylinder, which have two flat faces and one curved face. In this, we also see that there are two edges, but there is no vertex in it. The cone has two faces, out of which one is flat face and the other is curved face. Similarly, it has a vertex and an edge. Talking about the sphere, it has one face, but it does not have an edge and a vertex. So today we learned the three-dimensional shape, cube, cuboid, prism,
pyramid. In the next video, we will see some examples regarding this topic. मैम स्क्रीन नहीं देख रही। स्टॉप कर दिया बेटा, मैंने स्टॉप कर दिया शेयरिंग। तो अब आप जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक चीज मैं आपको अलग से फिगर पिरामिड का आप कैसे बनाओगे 2D में, वो आपको और समझा देती हूँ, वेट करो। सो आपको मैं अलग से समझा देती हूँ। मैम स्क्रीन इज विजिबल। यस बेटा रुक जाओ। हाँ ध्यान से देखना। हाँ आरुष तुम्हारा डाउट, अब देखो कैसे बनाओगे। एक्चुअली में रेक्टेंगल जो आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है वो ऐसे बनाना चाहिए। खूब अच्छे समझना आप कैसे बनाओगे। एक ट्रायंगल ऐसा होता है बेस में, एक ट्रायंगल बेस में बना और इसके पैरेलल एक ट्रायंगल ये होगा। खूब अच्छे समझना, ये दो ट्रायंगल्स होंगे। अब आप कैसे बनाओगे अपने समझने के लिए 2D में, इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दो, इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दो, इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दो। तो एक इसका बेस हो गया ट्रायंगल, एक जब स्कूल यदि रीओपन हुआ जब भी, तो फिर मैं आपको मैथ्स लैब ले चल के दिखाऊंगी। तो ये हो जाती है दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं, ये दो ट्रायंगुलर फेसेस हो जाएंगे। तो आपके दो फेसेस ये हो गया, ये वन हो गया, दिस इज वन दिस इज टू, दोनों ट्रायंगल के शेप में है। अब साइड में क्या होगा ध्यान से देखना, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं 3, दिस इज फर्स्ट साइड। इस साइड से एक आप कर को मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये मैंने कलर ले लिया ब्लू कलर ले रही हूँ, ध्यान से देखना ये ब्लू कलर। एक ये पैरेललोग्राम साइड में दिखेगा ब्लू कलर का, देखो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ये हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया वन, एक ये ट्रायंगल हो गया टू, एक पैरेललोग्राम साइड में 3, एक पैरेललोग्राम में येलो कलर कर देती हूँ, ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया फोर्थ फेस। और एक बैक साइड होगा वो आपको दिखा नहीं सकती मैं, एक बैक साइड होगा। तो टोटल कितने फेसेस हो गए 5, वन दिस इज वन, इसको मैं कलर को यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज फर्स्ट फेस, दिस इज सेकंड फेस, दिस इज थर्ड फेस, दिस इज फोर्थ फेस, एक बैक साइड होगा 5 फेस। कैसे पता चला, क्योंकि जो ट्रायंगल का बेस है इसमें 3 साइड है, हर साइड से एक एक बनेगा, एक इस साइड से साइड में जा रहा है देखो ऐसे, एक इस साइड से इस साइड जा रहा है, और एक इस साइड से बैक साइड जाएगा। तो टोटल 5 फेसेस हो गए। वर्टेक्स कैसे काउंट करोगे ट्रायंगुलर पिरामिड में, वर्टेक्स यहां से काउंट करो, 1 ये फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स। एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम, वेरी वेरी क्लियरली। 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 कॉर्नर्स है, इसके वर्टाइसेस कितने हो गए 6। यदि मैं व्हाइट कलर दिखाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इसके वर्टाइसेस हैं, 5 फेसेस 6 वर्टाइसेस। एजेस में आ जाओ, एज अब ध्यान से देखना, फिर अलग से बना के दिखा रही हूँ आप कैसे बनाओगे। एक ट्रायंगल बना लिया बेस, फिर कलर ब्लू ले लेती हूँ, एक ट्रायंगल जस्ट इसके ऊपर ऐसे बनाना, इसके जस्ट यहां से बल्कि एक लाइन खींच लेना ये, फिर एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया, ये दो ट्रायंगल हो गए, फिर इस वर्टेक्स को वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया मैंने, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया। अब आप काउंट करके देखना, 3 साइड्स तो नीचे हैं, एजेस 3 तो ये हो गए 1, 2, 3, 3 ये हो गए 1, 2, 3, तो 3 यहाँ हो गए 3, 3, 6, और हर 3 से एक एक साइड में जाएगा यहां से यहां। अब आप काउंट करके खुद देखना कितने टोटल बनेंगे इसके, तो एजेस कितने होंगे आप अभी थोड़ी देर में आपसे पूछूंगी मैं, आप बताना मुझे कि हाउ मेनी एजेस आर इन ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर क्या है, ट्रायंगुलर कंप्लीट करो प्रिज्म, प्रिज्म। अब जब आप पिरामिड बनाओगे तो पिरामिड में पिरामिड में एक सिंगल ऊपर वर्टेक्स होता है, एक ये ट्रायंगल आप बनाओगे यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनाओगे, एक इसको इससे ज्वाइन कर दो, इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो जब आप ट्रायंगुलर, क्योंकि 3D को 2D में बनाना मुश्किल है, तो उस बनाने की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे बनाओगे। तो आपका जो ट्रायंगुलर पिरामिड होगा वो ऐसे बनेगा, पहले एक ट्रायंगल बना देना, ऊपर एक डॉट ले लेना, अब तीनों कॉर्नर्स को इससे 1 by 1 ज्वाइन कर देना, एक ज्वाइन कर दिया, दूसरा ज्वाइन कर दिया
और तीसरा ज्वाइन कर दिया। इसके बाद आप इसके काउंट करना, फेसेस कितने हैं, फेसेस कितने होंगे आप बताओ, हाउ मेनी फेसेस, एक तो सामने दिख रहा है वन, और कितनी साइड है टोटल, बिल्कुल सही। कैसे, एक इस साइड से, बिल्कुल मैं कलर चेंज करके बता रही हूँ, एक इस साइड से ट्रायंगल बनेगा साइड में ब्लू से, एक बनेगा ग्रीन साइड से साइड में बनेगा, और एक ये जो येलो साइड है, ये अच्छा येलो तो आ गया, येलो वन, एक इससे, अरे यार सेलेक्ट हो जाए, हाँ तो एक ट्रायंगल इससे बनेगा साइड में, एक ब्लू से बनेगा, एक ग्रीन से बनेगा, साइड साइड में बनेंगे। येलो वाला कहाँ बनेगा, पीछे दिख नहीं रहा, ब्लू वाला कौन सा बन रहा है, ये वाला ब्लू से बन रहा है, ये वाला ग्रीन से बन रहा है, येलो से बनेगा बैक साइड। फेस काउंट करो, वन टू थ्री और एक पीछे, फोर, फोर फेसेस हो जाएंगे। वर्टेक्स किसको कहते हैं, वन टू थ्री फोर। अब आप सोचना वर्टाइसेस बताना इसे कितने होंगे, और एजेस कहलाते हैं ये, वन टू थ्री फोर, ये एजेस कहलाते हैं, ये आप काउंट करके देख लेना। नाउ कम टू लास्ट एक्सरसाइज, इसको शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको एक चीज बता देती हूँ, रुक जाओ। अच्छा, उसमें आप बुक अपनी ओपन करना, बुक में आपको गिवन है हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी एजेस, आपको बुक भी ओपन करके दिखा दो, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम आपकी स्क्रीन भी चली गई। मैम लेफ्ट। आप 11 टू व्यू। मैम लेफ्ट हो चुकी है। गौरी आज मैं खेलने आऊंगा, ठीक है? हाँ जाना। कोई भी तेरे को मना नहीं करेगा। अरे देवांश बैटिंग नहीं देता तू किसी को? अरे भाई वो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, सबकी बैटिंग आई थी, सबकी बॉलिंग आई थी। देता है भाई, देता है वो, लेकिन तो ये बोल रहा है। अरे भाई और कोई कहता। हेलो 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 देवांश, कल तुमने हमें बैटिंग नहीं, हमारी बैटिंग भाई कल तो पूरा मैच ही का हुआ, आज कंटिन्यू करेंगे ना, आज नई टीम होगी। नहीं आज कल, कल का मैच कंटिन्यू करेंगे, कल बारिश हो गई थी ना। तुम कितने लोग खेलते हो? यार मुझे बैटिंग दे देना। हाँ दे दे। क्यों देवांश, तुम कितने लोग खेलते हो? ज्यादा से ज्यादा 14, नहीं तो 10 तो आते ही है। 10 तो आते ही है? हाँ हमारे में तो 5 ही मुश्किल से जाए। वो लक्षणा, वो कल हम लोग ने उसे खिलाया नहीं था, हमने कह दिया सारे लोग तो देवान सुन ले। हेलो हेलो बोल के लेफ्ट हो गया। वो लक्ष्मण कल भी चलते हैं, आज टाइम भी हो गया, दे दे और हम तो जा रहे। अरे भाई मैम भी लेफ्ट कर रहा हूं, बाद में फिर क्या होगा भाई, अभी मैम ही नहीं आई है, मैम आएंगी तभी लेफ्ट करना पड़ेगा और क्या। गौरी बोल,
वो कल ना लक्ष्य ने हम लोग ने कह दिया था ना कि उसने एक्स्ट्रा लाइफ इस्तेमाल कर लिया इसलिए तू बैटिंग नहीं कर सकता, इस वजह से सब कुछ कह रहा है वो। वैसे तुम गेल में कहाँ पर खेलते हो? वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे ग्राउंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे ग्राउंड, बड़ा वाला ग्राउंड वहां में उड़ के तो खेलेंगे। हां बड़ा वाला ग्राउंड, गेल में तो ग्राउंड ही ग्राउंड है। मैं भी बहुत ग्राउंड है, मेरा बड़ा भैया खेलता है, मैं खेलता हूँ, ये लंबी तो खेलता है और एक दोस्त है, दो तीन चार बहुत खेलते हैं। तेरा बड़ा भैया भी खेलता, हिमांशु तेरा बड़ा भैया भी, मैं छोटी बड़ा बड़ा भाई मान ले, तेरी फ्री फायर होटल में बगल में बैठा, वो तो छोटा है, मतलब एक बड़ा भैया अलग है, सगा नहीं है, पर यानी कि ऐसे रिलेशन है कि वो तेरे बड़े भाई जैसा लगता है। हाँ ऐसा ही है, मतलब ताऊजी मामूजी का लड़का ही। मुंह बोला भाई, भाई मुंह बोले भाई से बढ़कर है। मैम तो आई नहीं रही। ओ कोई मैम को मैसेज कर दो, मेरे पास मैम का नंबर ही आती है। ओ शांति 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 आंटी 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 लेफ्ट कर दे क्या मैम, तो आई नहीं रही। अरे हाँ मैं तो जा यार, अरे यार टाइम भी 5 मिनट ज्यादा ही हो गया यार, कर दे। चलो भाई और 15 मिनट बाद मिलते हैं, चलो बाय 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 ऑल ऑफ यू, बाय डियर माय चिल्ड्रन, मेरे नेक्स्ट टर्म सागा बाय। कुछ लैपटॉप प्रॉब्लम हो रही है, स्विच ऑफ हो रहा है बार बार ये। अच्छा एक काम सुनो, लीव कर दिया। हाँ कोई बात, सुनो बेटा सबको मैसेज कर देना, फ्राइडे आई विल टेक वन एक्स्ट्रा क्लास बेटा। मैम टाइम टाइम मॉर्निंग में ले लेंगे तो चलेगा? यस मैम, पर टाइम तो बता दीजिए। बारह से एक ले लूंगी, ओके 12 से 1 ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, 9 से 10 भी तो ले सकते हैं ना, 9 से। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो सबको मैसेज करना कि अपने ग्रुप में लिखेंगे कि किस टाइम उनको सुटेबल है, 12 से 1 या 12 से 1 बेस्ट है। 9 से 10 मैम, 12 से 1 ही सबसे अच्छा है मैम, 12 से 1 ही सबसे अच्छा है। ओके बेटा चलो ठीक है, ओके तो आज बेटा क्लास कर दीजिएगा स्कूल के। हाँ यस मैम, मैसेज कर दूं, डोंट वरी ठीक है। सो ओके मैम, फ्राइडे आई विल टेक वन एक्स्ट्रा क्लास, चलो ओके मैम, चलो बेटा साईराम साईराम लीव वन बाय वन। ओके साईराम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम, टेक केयर मैम। ओके बेटा।